राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए और मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। बस यही राजस्थान की राजनीति में गर्माहट के लिए काफी है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात का। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है। राजस्थान के बजट से ठीक पहले दिल्ली का ये दौरा दिखाता है कि राजस्थान को डबल इंजन की सरकार से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। लेकिन चर्चाएं तो राजनीतिक भी होती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात इन हालातों में दूसरे एंगल से भी देखी जाती है। वो एंगल क्या है, उस पर भी बात करेंगे, वो राजनीतिक है। राजस्थान में 11 सीटें बीजेपी ने गंवाई है पिछले दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले। ऐसे में जवाब तो बनता है, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी राजस्थान का कोई भी नेता नहीं ले रहा। राजस्थान में ओम बिरला देश की लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा से दावेदार रहे, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमट कर रह गए। जिम्मेदारी वो भी नहीं ले रहे कि राजस्थान की हार में उनका भी हाथ है क्या। यहां हार से तात्पर्य 11 सीटों से हार का है। यहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्पष्ट तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है। ओम माथुर यूं तो राजनीति में अपनी दखल रखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को यहां भेजा गया, विजया राहटकर ने कमान संभाली, लेकिन जिम्मेदारी इनके हिस्से भी नहीं आई। बाकी टीम की तो बात ही क्या करें। वसुंधरा राजे का यहां जिक्र करें कि उन्हें क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तो वो भी है। ये सभी नाम मैंने इसीलिए लिए क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कद्दावर नेताओं की जब बात होती है तो इनका जिक्र होता है। कुछ नेता नाराज ना हो जिनका नाम मैंने लिया नहीं, वो भी जिम्मेदार है बीजेपी की हार में, क्योंकि बीजेपी जब दो चुनाव में 25-0 का स्कोर कर चुकी तो अब 14-11 पर क्यों अटकी। संभवतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा भी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितनी नीति की बात करते हैं उतना ही राजनीति में भी आगे चलते हैं। खैर, जवाब जो भी रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला राजस्थान को राहत देने के लिए है। चाहे कोयला मंत्रालय की बात हो या खनन पेट्रोलियम मंत्रालय की या बिजली विभाग के मंत्रालय के मंत्री से मुलाकात की, राजस्थान को राहत चाहिए। डबल इंजन की सरकार पर पूरा दारोमदार है, राजस्थान के हाथ में पैसा नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे राजस्थान इस वक्त कंगाली के हालात पर है, लेकिन इतना है कि अगर दिल्ली ने मदद नहीं करी तो राजस्थान के नौकरशाहों की तनख्वाह नहीं जाएगी लंबे समय तक। आय के संसाधन उत्पन्न करने होंगे, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, दिल्ली की सरकार से अनुदान राहत भी लेनी होगी। अशोक गहलोत के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जब वो आते हैं तो कहा जाता है कि खजाना खाली है, लेकिन जब वो सत्ता से जाते हैं तो हकीकत में कहा जा सकता है कि खजाना तो सचमुच में खाली है। सरकार की इतनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं कि उनको पूरा करते हुए भजनलाल शर्मा जो 6 महीने का अनुभव लिए हुए मुख्यमंत्री हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि वित्त विभाग का ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से जिम्मा उसी अधिकारी को है जिस पर सब ब्यूरोक्रेट्स की निगाहें हैं। मैं वापस कह रहा हूं कि सब ब्यूरोक्रेट्स की निगाहें हैं। मैं बात यहां वरिष्ठ आईएएस अखिल अरोड़ा की कर रहा हूं। वित्त विभाग का जिम्मा पिछली सरकार में भी इनके पास था, महत्वपूर्ण पद वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी इनके पास था, और भजनलाल सरकार में तो 6 महीने का शासन की धुरी इनके पास घूम रही है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स समझ रहे हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन कैसा जा रहा है। सभी मुद्दों पर, विचारों पर, इरादों पर 2 दिन दिल्ली में मंथन भी है। राजनीति में चर्चा यही है कि भजनलाल सरकार को क्या इस लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने का दोषी माना जाएगा।
हालांकि राजनीतिक हलकों में पूरी तरीके से चर्चा है कि भजनलाल सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, काम करने में अपनी भूमिका को सार्थक किया, लेकिन दंड तो किसी न किसी को मिलेगा। वो किसे मिलेगा या किसे दिलाया जाएगा या किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा, ये राजनीति में आपसे ज्यादा कौन समझ पाता है, क्योंकि दर्शक सबकी नब्ज टटोलता रहता है। खैर, अभी चर्चा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की भी है, बजट के आने की भी है, ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लिस्ट जिसका इंतजार और लंबा होता जा रहा है उसकी भी है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि अगली जो लिस्ट आएगी उसके बाद आगे की चीजें तय होंगी कि आगे कौन काम करेगा, कैसे धारा बहेगी, प्रवाह किस ओर रहेगा, किस अधिकारी को किस पोस्ट पर लाया गया है, किसने कहां से अपनी लोबिंग की है, सेटिंग की है, वो सब देखा जाएगा और किस मंशा से सरकार काम करना चाहती है। अभी तक का काम जनता की नजर में हुआ ही नहीं है। जनता अब चाहती है कि काम होता हुआ दिखे। अशोक गहलोत की, वसुंधरा राजे की, या एक बार कहूं कि केवल अशोक गहलोत की यानी पूर्ववर्ती सरकार की जो छवि, जो लेप, जो आवरण राजस्थान की सरकार ब्यूरोक्रेसी पर चढ़ा हुआ है, क्या वो पर्दा हटेगा? क्या उस छवि से बाहर भजनलाल खुद को, अपनी सरकार को लेकर आएंगे? राजस्थान की कैबिनेट और भजनलाल सरकार के मंत्री क्या अब सक्रिय होंगे? अपनी विधानसभा या अपने जिले को छोड़कर वो राजस्थान के बारे में सोचेंगे? तमाम सवाल है और दिल्ली में इनके जवाब लिए जा रहे हैं, जवाब देने भी होंगे। 6 महीने का समय कम नहीं होता, परिणाम का मौका है, क्योंकि असल मौका 5 सीटों पर उपचुनाव का है। और इन 5 सीटों में अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो असल परीक्षा में भजनलाल शर्मा होंगे। खैर, विधानसभा चुनाव के बाद तीसरा ये मौका होगा, करणपुर के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और फिर अब 5 सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अब की बार कांग्रेस को दिखा दिया जाए कि इतने खुश होने की जरूरत नहीं थी। परिणाम के लिए प्रारंभिक तौर पर आकलन जो किया जा रहा है वो आदिवासी अंचल की 1 सीट को छोड़कर 4 सीटें अपने खेमे में पूरी तरीके से आती हुई दिखाने की कोशिश है। हालांकि वहां भी राजनीतिक गणित सेट किए जाएंगे। अब मोहरे चले जाने शेष हैं, लेकिन मोहरे सेट तो किए जाएं, उनकी चाल सरकार पर निर्भर करेगी, लेकिन वो मोहरे ही फील्ड से गायब हैं। खेल अब शुरू होना है राजस्थान की जनता की राहत और रियायत के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और कानून व्यवस्था, ये 4 मसले ही राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार से चाहिए और इन्हीं पर काम प्रमुखता से किया जाना चाहिए, किया जा भी रहा है। समन्वय दिखाने की कोशिश भी होनी चाहिए, इन्हीं के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। दिल्ली दौरे की जब हम बात कर रहे हैं तो भजनलाल सरकार ने तय कर लिया है कि अब किसी के भरोसे नहीं बैठा जाएगा। सलाह जिसका इंतजार रहता है वो ली नहीं जाएगी, अब सलाहें देकर काम भी दिखाया जाएगा। और भजनलाल शर्मा भी समझ चुके हैं कि अब केवल और केवल निर्णयों की पालना तक सीमित नहीं रहना, निर्णय लेने की, विचार करने की स्थिति तक भी आना होगा। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली का दौरा, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी की अहमियत, यहाँ किए जाने वाले भविष्य के काम और राजस्थान की जनता की उम्मीदों के साथ केंद्र का तालमेल, तमाम गुर और तमाम लेसन सिखा कर भेजेगा। राजस्थान में कुछ बदलाव अगले 1-2 सप्ताह में होने हैं। ये कुछ बदलाव मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये विभिन्न चरणों में आपको दिखाई देंगे, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर, सलाहकार मंडल के स्तर पर और साथ ही सरकार के स्तर पर। तो बने रहिएगा राजस्थान चौक के साथ, दिखाते रहेंगे हर एक नजर। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।